हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इजी कुकिंग स्पॉट। आज हम बनाने वाले हैं बेसन के लड्डू, जो बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत मज़ेदार हैं। तो फिर आज हम बनाएंगे बेसन के लड्डू, वो भी सासू माँ के साथ। इसके लिए हम लेंगे चीनी, एक कटोरी चीनी है ये, कुछ इलायची, इसे अच्छे से बारीक पीस कर लेंगे हम। बेसन उसी कटोरी से लेंगे जिस कटोरी से हमने चीनी लिया था, एक कटोरी चीनी तो दो कटोरी बेसन लेंगे हम। आधा आधा कर कर हम कढ़ाई में भूनेंगे उसको। घी में भूनना है हमें इसको, घी में कोई कंजूसी नहीं करेंगे हम। मैंने 3 चम्मच घी इस्तेमाल किया है स्टार्टिंग में, 1 चम्मच स्किप हो गया है वो। बेसन को भूनते भूनते फिर घी ऐड करेंगे। बेसन के लड्डू में जितना घी हम डालेंगे उतना ही वो टेस्टी होगा, उसमें खुशबू बहुत अच्छी आएगी। फिर से घी ऐड किया हमने, उसका कलर, बेसन का कलर चेंज होने तक हम भूनते रहेंगे। आप देख सकते हैं बेसन का कलर अच्छे से चेंज हो चुका है। अब बड़े से बर्तन में हम इसे उतार लेंगे, चलाते रहेंगे पहले। ये हो गया है, अब उतार लेंगे हम इसको बड़े से बर्तन में। अब फिर से घी लेंगे हम उसी कढ़ाई में बचे हुए बेसन को भुनने के लिए। अब बचा हुआ पूरा बेसन एक वक्त लेंगे हम और इसे भी अच्छी तरह से चलाते हुए भून लेंगे। गुठली होने नहीं देना हमें, ध्यान रखना है हमें इसी बात का। आप देख सकते हैं ये भी हमारा बेसन तैयार है भूनकर। इसे ठंडा होने नहीं देना है हमें। फिर से उसी कढ़ाई में थोड़ा घी लेंगे हम, कुछ ड्राई फ्रूट्स है, ये काजू ही है सिर्फ, हमें काजू ही पसंद है। आप चाहे तो बादाम, पिस्ता, किशमिश कुछ भी डाल सकते हैं, केसर, हमें काजू पसंद है इसलिए हमने काजू लिया है। वो भी बेसन में हम मिक्स कर लेंगे। कढ़ाई को हम बेसन से अच्छे तरह से पोंछ कर लेंगे, उसमें बहुत सारा घी बचा हुआ था। और पिसी हुई चीनी को हम बेसन में मिक्स करेंगे अच्छे से। बेसन बहुत गर्म है, भुना हुआ है ना ये, तो हाथ का इस्तेमाल ना करें चीनी को मिलाने के लिए। पूरा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स हो गया है, घी की खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है, ये बहुत गर्म है अभी भी। अब देख सकते हैं हम इसी तरह, मैं जैसे बना रही हूँ आपको उसी तरह लड्डू बनाना है आपको। मैं ये पहली बार बना रही हूँ। आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना मत भूलना। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप ज़रूर घर पर ट्राई कीजिए, ये मज़ेदार रेसिपी है। थैंक यू।